Assalamu alaikum girls, welcome back to my channel and welcome back to a brand new video. हाँ जी, तो गर्ल्स मेरे चैनल पे ना अब तो मिस रोज होने वाली है, मिस रोज की भरमार होने वाली है वीडियोस की। लास्ट टाइम मैंने मिस रोज के कंसीलर्स का रिव्यू किया था और उससे पहले मैंने मिस रोज के जितने भी लिपस्टिक्स की रेंज है उसका रिव्यू किया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे जो कि क्लियर हो चुके हैं, तो आज की जो वीडियो है वो भी मिस रोज से रिलेटेड ही है। और वो मिस रोज की कौन सी प्रोडक्ट है, वो है ये मिस रोज की मैट लिक्विड फाउंडेशन। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो भी है सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाली है इसमें ढेर सारी मेकअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जितने भी मेकअप के ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ड्रग स्टोर्स हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, मैं उन सब का रिव्यू करती हूँ, उनको बाय करके ऑर्डर करके उनको मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ और उनका रिव्यू दिखाती हूँ आप लोगों को और वो यूज़ करने में कैसे हैं सब बताती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियोस की तलाश में हो तो बिल्कुल जी आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो एंड पर आपने ज़रूर लाइक करना है, ठीक है, और डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी लगी। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज मैं मिस रोज की इस मैट फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ पर मिस रोज की लिपस्टिक्स की, ब्लश ऑन्स की जहाँ पर सबकी बात आती है, तो फाउंडेशन तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है, तो इसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी था और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि मिस रोज की जो फाउंडेशन है उसके बारे में रिव्यू कर दें, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो ये है मेरे पास मिस रोज मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन, तो इसका शेड है मेरे पास आइवरी 6 जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी कवरेज दिखा देती हूँ, ये शेड कैसा है मैं आप लोगों को इसका स्वॉच करके दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, छोटी सी एक ट्यूब फॉर्म के अंदर आता है ये। हाँ, ये इसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये देखें सामने से इस तरह से है, इसमें से प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है, तो अगर ये कोई पम्प की फॉर्म में होती तो उस तरह से यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन चलें इतनी कम प्राइस में हमें यही मिल सकता है और प्रोडक्ट भी अच्छी हो तो और क्या चाहिए। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूब तो छोटी सी लगती है लेकिन इसमें क्वांटिटी अच्छी खासी है। ये देखें, मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी किया है लेकिन फिर भी अभी तक ये बिल्कुल फुल है, मतलब फील नहीं होता कि यूज़ भी किया है इसके अंदर, लेकिन मैंने यूज़ इसको काफ़ी दफ़ा किया है। तो चलें जी इसका सबसे पहले स्वॉच देख लेते हैं हम कि ये कैसी है। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी बाकी फाउंडेशंस की तरह इसकी कंसिस्टेंसी रनी नहीं है, बिल्कुल ये ऐसे क्रीम की फॉर्म में है और अपनी जगह से हिलजुल नहीं रही। और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैट है, तो वाकई ये बिल्कुल मैट है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैंने क्वान्टिटी काफ़ी ले ली है इसकी, तो ये मेरे स्किन टोन के साथ एग्जैक्टली मैच तो नहीं करता, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन चीज़ मंगवानी होती है तो अपना जो शेड है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता चलता कि कौन सा शेड एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन के साथ जा रहा है, तो इसलिए हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती है। लेकिन फिर भी मैंने इसको यूज़ किया था काफ़ी दफ़ा, और इसको लगाने के बाद फिर मैंने जो अपनी स्किन टोन के साथ मैच करने वाला फाउंडेशन है वो लगाया, तो तकरीबन ठीक हो गया था निज़ाम। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और कवरेज अच्छी खासी है, बिल्कुल फुल कवरेज नहीं है ये, तकरीबन मीडियम टू फुल कवरेज ही है, और लेकिन बिल्डेबल है, आप जितनी लगाएंगे आप उसको फुल कवरेज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यह है कि अगर हमने एक टोन अपने से डार्क एक दो टोन लगाया भी है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है आपकी फाउंडेशन आपकी स्किन टोन में एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो आपकी स्किन का कलर पकड़ना स्टार्ट कर देती है, तो वो आपकी स्किन के टोन के साथ मैच होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से आप इसको एक टोन लाइट अपनी स्किन से ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन टोन में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। और एक बात और कि ये इसका जो शेड है वो आइवरी 6 है और ये थोड़ी सी पिंक टोन देता है,
तो पिंक टोन की जो फाउंडेशंस होती हैं वो मोस्टली यूज़ की जाती हैं जिनका कलर ज़्यादा सांवला होता है उन लोगों के लिए, ठीक है, जो डार्क कम्प्लेक्शन वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी पिंक टोन में यूज़ की जाती है प्रोडक्ट। और जो जैसा मेरा शेड है, मेरी येलो अंडर टोन में चीज़ें यूज़ की जाती हैं फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट्स वगैरह, तो इस वजह से ये मेरी स्किन के साथ नहीं जा रहा। और आइवरी सिक्स इसका जो है वो पिंक टोन में है, और ये वाली फाउंडेशन ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बेस्ट है। बाकी जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लें यूज़ करने से पहले। और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है इसकी, तकरीबन आपको 200 से 300 के दरमियान में ये इजीली मिल जाएगी, ठीक है। वही बात के डिफरेंट स्टोर्स हैं तो सब भी अपनी अपनी प्राइसेस हैं, तो इस वजह से आप लोगों को 200 से 300 के दरमियान में ये इजीली मिल सकती है। मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, फेस के ऊपर थोप नहीं लेना चाहिए, मतलब क्वांटिटी कम रखनी चाहिए क्योंकि हमारी एशियन स्किन टोन्स हैं और वैसे भी हमारे कंट्री में गर्मी ही होती है मोस्टली, तो अगर हम लोग ज़्यादा उसकी लेयर्स बना लेंगे स्किन के ऊपर तो आपकी जो फाउंडेशन है वो क्रैक कर जाएगी स्माइल एरिया पे, और अंडर आई के नीचे भी आपकी जो फाउंडेशन है वो क्रैक कर सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। इसलिए लेयर्स की लेयर्स ना लगाएं, बिल्कुल थिन लेयर लगाएं आप तो भी गुजारा हो सकता है, ठीक है जनाब। अब आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी मिस रोज़ की इस फाउंडेशन को लेकर, मुझे उम्मीद है कि वो सारी क्लियर हो गई होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो मैं भूल ही गई हूँ कि इसकी जो एक्सपायरी है वो 12 मंथ्स है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि इस चीज़ का मतलब क्या है, वो एक्सपायरी डेट ढूंढते रहते हैं कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कौन सी है। तो इसकी एक्सपायरी डेट का पता कैसे चलता है, वो ऐसे कि यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का मतलब ये है कि जब हम लोग एक दफ़ा इस प्रोडक्ट को ऐसे खोल लेते हैं और यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर अगले 12 महीनों तक इसकी एक्सपायरी होगी, ठीक है। मतलब जब भी आपके खोलने के बाद 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे तो आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आपने यूज़ करनी है या नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को पता तो है कि हम लोगों ने कहाँ एक्सपायरी देखनी होती है, फिर भी हमारे पास वो चीज़ मौजूद रहती है, हम बेशक यूज़ करें या ना करें लेकिन रखनी ज़रूर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ भी करते हैं एक्सपायर्ड चीज़ों को, ठीक है जनाब। ये था मेरा आज का रिव्यू मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन को लेकर, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये टोटली ऑनेस्ट रिव्यू है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्राइस भी इसकी बहुत कम है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर इतनी कम प्राइस में अगर हमें ये मिल रही है, जिनका बजट भी शॉर्ट है तो आप डेफिनेटली ये बाय कर सकते हैं, ठीक है जनाब। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम भी मैं जो वीडियो लेके आने वाली हूँ वो भी मिस रोज़ से रिलेटेड ही होगी। अगर आप लोगों को मिस रोज़ से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, मज़ीद उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।